नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट टेप के बारे में, मतलब हाउ टू रीड मेजरिंग टेप। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा टेप लेंगे, इस टेप का हर एक चीज़ हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास एक मेजरमेंट टेप, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बाहर से देखिए। ये है एक 3 मीटर का टेप, जिसमें लेंथ मिलेगा, इसका जो लेंथ है वो मिलेगा 3 मीटर। ठीक है, मतलब 3 मीटर तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर 10 फीट तक। यहाँ पे 10 फीट भी लिखा हुआ है। और इसका जो ब्रेथ है वो है 16 mm, 16 mm, ये देखिए लिखा हुआ है 16 mm। ये जो ब्रेथ है वो है 16 mm। ये जो मेजरिंग टेप है ये 3 मीटर में मिलता है, 5 मीटर में मिलता है, 10 मीटर में मिलता है, 15 में मिलता है, 20 में मिलता है, 30 में मिलता है, और ये है स्टील टेप। ये जो टेप है ये स्टील का बना हुआ है। अब देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो लिखा हुआ है ये सब मेजरमेंट है सेंटीमीटर का। ठीक है, सब मेजरमेंट है सेंटीमीटर का। और इसके अंदर जो है देखिए एकदम छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। अभी देखिए इसके अंदर देखिए एकदम छोटा छोटा लाइन। ये देखिए ये जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सब छोटा छोटा जो लाइन है वो है mm का, मिलीमीटर का। ठीक है, तो मेजरिंग टेप में क्या होता है, नीचे मिलता है सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का। ठीक है, और ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, तो ये जो सब है ये है इंच का, ये इंच का मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला 1 2 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें एक लॉक लगाना पड़ता है, नहीं तो ये अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रुकवाने के लिए ऐसे एक लॉक यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्या होता है 1 2 जो फिगर है वो फिगर हाइट हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगर आप मेजरमेंट साइट में मेजरमेंट करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब 5 से मेजरमेंट ले लीजिए और बाद में 5 माइनस कर दीजिए। अच्छा, तो अभी देखिए इस मेजरिंग टेप में और क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी देखिए इंची में क्या होता है, 9 10 11, और जब 12 आ गया, अभी देखिए 12 आ गया, तो इसमें 12 लिखा हुआ नहीं है, इसमें 01 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये है 1 फुट, तो फुट को दर्शाने के लिए ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 1 फुट है, तो हमको 2 फुट पे भी मिलेगा ऐसा। ये देखिए 2 फुट में भी है ऐसा, फिर ऐसे 3 फुट पे भी मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 1 फुट है, 1 फिट के बाद में देखिए 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, ये सब क्या है, 1 5, ये सब क्या है। दोस्तों एकदम इजी चीज़ है ये सब है, मतलब ये है 1 फुट, उसके बाद 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ऐसा है ना। तो इसको एकदम आसानी से पढ़ने के लिए ऐसे दिया हुआ है 1 फुट 1 इंच। ये पहले वाला टर्म है फुट का, फिर दूसरा टर्म है इंच का, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1 फुट 1 इंच, फिर 1 फुट
2 इंच, फिर 1 फुट 3 इंच, ठीक है। अभी देखिए, जैसे ही आपको मिल गया 1 फुट 11 इंच, फिर देखिए 2 फुट के बाद में 2 1 2 2 2 3 ऐसा है। तो ये फुट, पहले वाला टर्म है फुट का, दूसरा वाला टर्म है इंच का, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, हम लोग जब 16 इंच में आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, ऐसा पैटर्न, ऊपर से ट्रायंगल, नीचे से एक रेक्टेंगल का ऐसे पैटर्न दिया हुआ है। कहीं कहीं पे ये इसको कलर करके भी देता है, ठीक है। तो ये क्या है? तो एक्चुअली दोस्तों, हम लोग जब वुडन का हाउस बनाते हैं, वुडन हाउस में क्या होता है, एक वॉल को खड़ा करने के लिए, जब वॉल को खड़ा करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारा स्टार्ट्स आता है, ठीक है। आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, उसमें देख लीजिए, वॉल का पिक्चर दिया हुआ है और स्टार्ट्स का भी पिक्चर दिया हुआ है। तो वो कैसा रहता है, मैं आपको एक ड्राइंग करके बता रहा हूँ। जैसे एक दीवार का ये है ड्राइंग, तो इस साइड में लकड़ी या फिर प्लाईवुड जो भी है ये तो लगेगा, ये है लकड़ी प्लाईवुड का। तो इसको खड़ा करने के लिए, अच्छी तरह से जैसे खड़ा हो, उसके लिए हम लोग लगाते हैं स्टार्ट्स। कैसे होता है ये? ऐसे होता है, ऐसे छोटा छोटा पत्ती की तरह, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। तो इसका क्या होता है, एक स्टार्ट्स का सेंटर से, ये है सेंटर इसका, ये है सेंटर इसका, एक स्टार्ट्स का सेंटर से दूसरे स्टार्ट का सेंटर जो है उसका मेजरमेंट है 16 इंच। तो ये एक्चुअली है कारपेंटर लोगों के लिए, कारपेंटर वगैरह जो लकड़ी का मिस्त्री है उनके लिए है ये मेजरमेंट 16 वाला। ये देखिए ये जो है, तो उनको क्या होता है, एकदम सेंटर टू सेंटर निकलने के लिए एकदम सीधा दे दिया 16 इंच का। तो 16 इंच पहले 16 इंच दिया, फिर उसके बाद दूसरा जो स्टार्ट्स लगाएगा वो लगाएगा 32 में, ये देखिए 32 में दिया हुआ है। तो ये कारपेंटर के लिए है, ये एक्चुअली ब्रिक वर्क या फिर कंक्रीट वर्क में नहीं लगता है, एक कारपेंटर के लिए। किसी किसी टेप में और एक चीज़ रहता है, वो क्या होता है, ये जो 19 इंच का है मार्क, 19 इंच का मार्क में 19.2 में यहाँ पे एक डायमंड डॉट रहता है। ये तो है मेरा रॉयल कंपनी का टेप, ठीक है, मेजरिंग टेप। अगर आप फ्रीमेंस का लेते हैं तो उसमें भी है, या फिर दूसरा बहुत सारा टेप में मिलता है। तो 19.2 में क्या होता है, एक डायमंड डॉट दिया हुआ रहता है, डायमंड डॉट यहाँ पे ऊपर में। फिर 38.4 में रहता है, 38.4 में रहता है, ऐसे करके हर एक 19.2 इंटरवल में ऐसा ऐसा एक डायमंड डॉट रहता है। एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ बड़ा करके, ये देखिए ऐसे एक डायमंड डॉट रहता है। तो ये क्यों रहता है, ये रहता है 19.2 में, ठीक है। तो ये क्यों रहता है, तो इसका भी काम है कारपेंटर का, ये कारपेंटर का ज़रूरत के लिए दिया हुआ है। अगर आप
वुडन हाउस बना रहे हैं, वुडन हाउस। अब जब वुडन हाउस बना रहे हैं तो उसका जो फ्लोर रहेगा, जो फ्लोर रहेगा, ये पकड़ लीजिए आपका फ्लोर, तो फ्लोर जो रहेगा वो भी तो वुडन रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये वुडन रहेगा तो इसका जो बेस है, इसका जो बेस, बेस का जो टिम्बर लगेगा वो भी तो वुडन का लगेगा ना। तो उसमें क्या होता है, आप एक देखिए, एक फोटो अभी मैंने दिया है, वो फोटो में देख लीजिए जो कैसा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आई बीम रहता है, आई बीम, वुडन आई बीम, नीचे वुडन आई बीम रहता है, ऐसे 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 वुडन आई बीम रहता है। तो ये जो वुडन आई बीम है, इसका पहले वाला आई बीम का सेंटर से दूसरे वाला आई बीम का जो सेंटर है उसका मेजरमेंट है 19.2 इंच, ठीक है। तो एकदम आसानी से समझने के लिए क्या किया, टेप में वो दे देता है 19.2 में, यहाँ पे एक डायमंड डॉट दे देता है। आसानी से समझने के लिए है ये मेजरिंग टेप। अभी देखिए, अगर आप लोग साइट में मेजरमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसा मेजरमेंट निकला कि टेप आते 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 मेजरिंग टेप का यहाँ पे आ गया, ये चार में, 10 के बाद ये चार में, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। ये है हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 100 mm। उसके बाद है 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे आया, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 140 mm, ठीक है। ऐसे करके अगर आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, और 5 और 6 के बीच में आके रुक गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 100 mm, फिर 40, 50, और 50 और 60 के बीच में है ना, तो ये 5, ये देखिए 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद दिखाई दे रहा है अभी। तो इसका हम बोलेंगे 155 mm, ठीक है। उस तरह अभी देखिए, अगर आप इंच या फुट से मेजरमेंट ले रहे हैं तो अभी देखिए क्या होता है। ये तो इजी हो गया mm में, 120, 130, 140 इजी हो गया। अभी मेजरमेंट आप जब करेंगे फुट या इंच में, तब आप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर कोई मेजरमेंट 6 में यहाँ पे आगे रुक गया, तब तो आप बोलेंगे 6 इंच का है ये। अगर ये 6 इंच वाला अगर कहीं आते आते ये बीच में रुक गया 9, उसके बाद ये देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यहाँ पे आके रुक गया, तो तब आप क्या बोलेंगे। तो अभी देखिए क्या होता है, इंच का जो सिस्टम है, ये देखिए 8 से 9 या फिर 9 से 10 या 10 से 11, ये सब इंच का जो घर है उसमें बराबर 4 इंटरवल है, ठीक है। ये देखिए 4 इंटरवल है, ये देखिए 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 और 1 4, 4 इंटरवल को मिला के, बड़ा जो 4 इंटरवल है उसको मिला के ये हुआ 1 इंच, ठीक है। तब आप क्या बोलेंगे, अभी पकड़ लीजिए 2 में आगे आके रुक गया, तब आप बोलेंगे 9, 2 by 4, उसको 1, 2 कट लेते हैं, तो है 9.5 इंच। अगर आपका यहाँ पे आके रुक गया 3 नंबर वाला इंटरवल में, तब आप क्या बोलेंगे,
देखिए 9 3/4 इंच इंच के घर में और एक है मेजरमेंट, वो है सूत का, सूत का, या फिर कोई कोई इसको सूता भी बोलता है, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है देखिए, सूत का मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए नट बोल्ट का जो है ये थ्रेड का वो सूत में आता है। फिर दूसरा एक चीज़ है, अगर आप ग्लास का कटिंग करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़रूरत होता है सूत का मेजरमेंट जानना, ठीक है। तो अभी देखिए इसका हमने क्या किया, 4 इंटरवल बोला था, आप पकड़ लीजिए 6 इंच से 7 इंच तक इंटरवल 4 बोला था, 1 2 3 और 1 4 इंटरवल, उसके अंदर भी देखिए एक एक इंटरवल रह रहा है। अभी देखिए थोड़ा छोटा 1 2 3 4, अगर ये 4 और ये बड़ा वाला 4 लेते हैं तो 8 इंटरवल रहता है, वो 8 इंटरवल को कहते हैं सूत, ठीक है। तो 1 इंच में रहता है 8 सूत, तो 1 इंच इजिकल टू 8 सूत, और उसको लिखेंगे कैसे, अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे आके रुक गया 8 इंच के बाद, यहाँ पे आके रुक गया, तब आप क्या बोलेंगे, ये देखिए 1 सूत है, तो इसको हम लिखेंगे 8 और ये 1/8 सूत, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके रुक गया, 6 और 7 के बीच यहाँ पे आके रुक गया, तो हम लोग लिखेंगे 6 इंच 5/8 और ऐसे सूत, मतलब 5 सूत, इसका मतलब 1 सूत। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट में आपको सूत का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत होगा आपको मिलीमीटर का, एमएम का, उसके बाद मीटर का, या फिर इंच का, या फिर फुट का, तो ये 4 डिजिट ही ज़रूरत पड़ेगा कंस्ट्रक्शन साइट में। तो अगर आप कारपेंटर है तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ये सूत का, या फिर अगर आप नट बोल्ट का कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी सूत का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर ग्लास का, उसमें भी सूत का ज़रूरत पड़ेगा। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।